जय माँ कात्यायनी, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, प्रणाम आप सभी को। नमस्कार करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ और हस्तरेखा के विषयों में, जो कि हमारा विशेष विषय है, विशेष कार्यक्रम हमारा हस्तरेखा क्या है, जिसका नाम रखा है हमने क्या कहती हैं हाथों की रेखाएं। तो मित्रों, आपके हाथों की रेखाएं क्या कहती हैं, उस विषय में आप जो भी विचार करते हो या जो भी जानना चाहते हो तो आपको ही पता होगा। लेकिन आज आपको मैं बताऊँगा इस विषय के अंतर्गत कि अगर आपके हाथ में मस्तिष्क रेखा में तिल हो तो आपके साथ क्या परिणाम होता है, आपका जीवन किस तरह चलता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि मस्तिष्क रेखा आपकी होती है ये आपकी मस्तिष्क रेखा है। तो इस मस्तिष्क रेखा में अगर मध्य भाग में तिल हो या थोड़ा सा तिल अगरा हुआ हो, अगर तिल है, तिल गाढ़ा है, मेन रेखा में ही है, तो ये निश्चित है कि आपको सिर से संबंधित रोग, वो भी भयानक रोग होते हैं। छोटी मोटी अगर बातें देखी जाए, अगर यही तिल मंगल की तरफ या इधर सूर्य की उंगली के नीचे यहां पर बना हुआ हो इस मस्तिष्क रेखा में, तो क्या होता है, तो आपको सिर में बार बार दर्द होता है। दर्द इतना बढ़ जाता है कि आप सोच भाई सिर हम कहां पड़ दें, क्या करें, ऐसी बातें भी मन में आपके आने लगती हैं। तो मेरे मित्रों, अगर इस रेखा में आपके मस्तिष्क रेखा में, माइंड रेखा में आपके तिल बना हो, तिल गाढ़ा हो, तो आपको मस्तिष्क से संबंधित, सिर से संबंधित समस्याएं बार बार सताती हैं, परेशान होती हैं। अब आप बहुत ज़्यादा इतना परेशान हो जाते हैं कि आप डॉक्टर से दवाई लेने के बाद, तमाम इलाज कराने के बाद में भी आपका समाधान नहीं होता। देखिए, यही बात बताना चाहूँगा, जहाँ पर विज्ञान की सीमाएँ समाप्त होती हैं वहीं से अध्यात्म शुरू हो जाता है। अध्यात्म अपनी जगह पर है, इसीलिए अध्यात्म से बहुत सारी चीज़ों का निवारण होता है। तो निश्चित है कि अगर आप इस समस्या आपके जीवन में है, हस्तरेखा में तिल है और आपके उस तिल के कारण आपको परेशान होना पड़ता है, तो उसका आध्यात्मिक निवारण जरूर करवाएं, जिससे कि वो समस्या आपकी निर्मूल खत्म हो जाए। तो ये आपको मैंने बताया, इसके बारे में आप अपने हाथ में अनुभव कीजिए। अगर आप इन समस्या से परेशान हैं तो आप भी अपने हाथ में ध्यान दीजिए और मुझे दीजिए आज्ञा। मिलता हूँ आपसे अगले विषय में, अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।